देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। खबर इंदौर से है। इंदौर में रविंद्र नाटक गृह में संत रविदास की जयंती के अवसर पर 24 फरवरी यानी बुधवार को अनूठे अंदाज में शमशरता दिवस के रूप में हमारे रविदास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक हरीश विजयवर्गीय और तरुण मिश्रा सहित अनेकों लोगों ने शहर के आरएनटी मार्ग पर स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते बताया कि शहर में पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है जिसमें भारत माता के पूजन के बिना किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया है कि ये पहली बार शहर में समस्त समाजों के पदाधिकारी सहित समाज व संत शिरोमणि श्री रविदास की जयंती का महोत्सव अपने अनूठे अंदाज में मनाएंगे। आयोजन के दौरान रविंद्र नाट्य गृह में दीप प्रज्वलन कर संत रविदास की जयंती का पूजन, कन्या पाठ पूजन, संत श्री की प्रमुख अनुयायियों के सम्मान कीर्तन उद्बोधन सहित अनेक तरह के कार्यक्रम होंगे। ये अपने भारतवर्ष में सारे साधु महात्माओं ने भक्ति मुक्ति और समरसता के भाव को लेकर बहुत सारी चीज़ें कही हैं और जो इन संतों में शिरोमणि हैं संत रविदास जी हैं। हम शब्द यूज़ कर रहा हूँ तो आप मानिए, जैसे मैं वैश्य समाज से हूँ, आप ब्राह्मण समाज से हैं, तरुण जी राजपूत समाज के, सिख समाज के, हम सब लोग, ऐसा पहली बार होगा अपने देश में कि एक दूसरा समाज दूसरे समाज के संत की जयंती मना रहा है। मैंने दूसरे समाज का संत बोलना ठीक नहीं है, मतलब वो संत सभी समाज के हैं, किंतु अभी भी वातावरण ऐसा बना है कि सबने संतों को विभाजित कर दिया है, जबकि संत पूरे राष्ट्र की धरोहर है। इस छोटे से पवित्र भाव को लेकर हमने ये कार्यक्रम करा है। 24 तारीख को 6:30 बजे रविंद्र नाट्य गृह में सबसे पहले तो भारत माता की पूजन के साथ आप प्रवेश करेंगे, फिर वहाँ पर संत रविदास जी की पूजन होगा, वहाँ पे उनके अनुयायी समाज की जो कन्याएं हैं उनका पाद पूजन होगा, उनको टैबलेट वितरण होगा, उसके बाद उसी समाज के समाज सेवियों का सम्मान किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम तरुण मिश्रा है। 27 फरवरी को पूरा देश संत रविदास जी की 644वीं जयंती मनाने जा रहा है। हमारे शहर में 24 फरवरी को हमने एक अनूठा कार्यक्रम संत रविदास जी की जयंती पर रखा है। अनूठा मैंने कहा इसलिए क्योंकि ये शायद शहर और प्रदेश का नहीं, देश में एक ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें संत रविदास जी को सभी अन्य समाजों के लोग मिलकर उनका नाम स्मरण करेंगे, उनका पुण्य स्मृति में उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर।